नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने हमने एक बोया का माइक ऑर्डर किया था। देखते हैं इसके अंदर क्या है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आप लोगों के सामने। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस दिया हुआ है, बाकी और ये सब लिखा हुआ है, GST नंबर है। ये टोटल 875 रुपये का ये टोटल पड़ा है। अभी देखते हैं इसके अंदर खोल के इसके अंदर क्या क्या उन्होंने दिया है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट से चल के आया है, करीब एक हफ्ते हो गया हमें ऑर्डर किए। इसके अंदर और क्या है देखते हैं। इसके अंदर एक स्लिप है, इसमें टोटल लिखा हुआ है कि 741.53 रुपये, फिर 133 रुपये GST है, टोटल 875 रुपये चार्ज है इसका। माइक जो है वीडियो बनाने के लिए बहुत कारगर है, इसीलिए हमने इसको ऑर्डर किया। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है कंपनी वालों ने। ये तो टूट गया अभी। इसके अंदर ये भाई M1 का है, ये बोया का माइक, माइक्रोफोन, माइक्रो कैरेट। ये इसके ऊपर जो है इसका ये लेबल लगा हुआ है बोया का, देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर ये एक पर्ची आई है, ये डायरी एक दी हुई है, इसमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है सारा इसमें बताया गया है, सिस्टम कि इसमें क्या क्या किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से सेट करना है इसको माइक, इस डायरी में सब बताया गया है। तो इसको रखते हैं साइड में, तो देखते हैं। एक डायरी और है, शायद ये वारंटी कार्ड होगा। ये तो पता नहीं किस भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वेंडर्स इन्फॉर्मेशन, कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन, दिस वारंटी डजंट कवर्ड, वारंटी पॉलिसी इसकी दी हुई है। ये इसको रखते हैं साइड में, वारंटी कार्ड है शायद। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, जो हमने जिसके लिए ऑर्डर किया था इसके अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए, ऐसा दिख देख पा रहे हैं आप लोग, ये बोया का माइक, और ये तो थैला है के अंदर एक रहेगा ये, और ये QMOS की दवा शायद है इसके साथ में, पता नहीं कौन सी दवा है, शायद सेफ्टी के लिए होगी। ये बोया का लेबल इस पर लगा हुआ है, देखिए आप लोग। ये इसमें करीब 20 फीट लंबा वायर है, हमने देख के ऑर्डर किया था ताकि वायर लंबा रहेगा तो रिकॉर्डिंग करने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं इसको खोल के कि इसका वायर जो है कितना लंबा है। हाँ, काफ़ी लंबा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये वायर भी अच्छा है। ये देखते हैं इसको, इसमें क्या है, ये इसमें बटन है एक, ये कैमरा पे रहेगा तो ये कैमरा ऑन रहेगा, और स्मार्टफोन, अगर स्मार्टफोन से चलाएंगे इसको आप तो स्मार्टफोन की तरफ कर लेंगे ये बटन। यहाँ पर कैमरा स्मार्टफोन दिया है, अगर स्मार्टफोन पर चलाएंगे तो आप स्मार्टफोन की तरफ करेंगे, कैमरा पर चलाएंगे तो कैमरा, फिर DSLR कैमरा अगर आपको लगाना है रिकॉर्डिंग के लिए तो आप कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में सपोर्टेबल है ये, और इस वायर को खोलते हैं। यही शायद माइक है, ये माइक है, और ये इसके अंदर गत्ता दिया हुआ है इसका ऊपर से कवर करने के लिए। खोलते हैं, अगर खुल जाए, खुल गया है, इसके अंदर क्या है देखते हैं। आइए, इसके अंदर सेल तो है नहीं, सेल कहाँ है तब तो?
होगा यहाँ जी, सेल दुआ इसके अंदर से सेल दिया हुआ है। यहाँ पर ये सेल है और ये शायद फिट करने के लिए है माइक को शर्ट में या फिर हुआ है एक सेल में सेल लगाने के लिए। सेल देखते लगा के चेक कर लेते हैं, ये सेल जो है इस तरह से लगेगा जी, बैठ गया सेल। ये सेल बैठ गया, इसको बंद कर देंगे, बंद हो गया। ये पिन एक दिया हुआ है, ये कैमरा के लिए है, जब हम कैमरे में इस्तेमाल करेंगे इस माइक का तो यहाँ से सेट करेंगे इसको, यहाँ से सेट करके जो है कैमरे में लगा देंगे, ये इसमें फिट हो जाएगा जी, फिट हो गया, इसको कैमरे में लगा देंगे, ये कैमरे के लिए है। अभी तो हमारे पास कैमरा तो है नहीं, हम स्मार्टफोन से जो है वीडियो शूट करेंगे। तो इस तरह से जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये सब सामान दिया हुआ है, बोया का माइक काफ़ी अच्छा होता है ये। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने की स्टार्टिंग अगर है आपकी, तो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा, काफ़ी कम रेट में जो है अच्छा माइक मिल जाएगा आपको। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो है स्मार्टफोन में जो है ये किस तरह से जो इसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको रिकॉर्डिंग करना तो ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर ये पकड़ लेगा जो है, ये तो इस तरह से इसमें ये आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे यहाँ पर, ये इसमें सेट हो गया, फिर इसको लगाएंगे कॉलर के पास अपने, फिर बोलेंगे तो यहाँ से जो है कोई चीज़ जैसे हम रिकॉर्ड करना चाहें, एक बार हम कैमरा से रिकॉर्ड करके दिखाते हैं आपको जो है। इसमें आवाज़ आती है कि नहीं, जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम देख रहे हैं कि पूजा का माइक है और ये इसका डिब्बा है, ये पैकेट है जिसके अंदर ये आया है, तो देखते हैं रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं। इसको निकाल देते हैं तो ये आवाज़ बाहर आएगी, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये बहुत फिट काम कर रहा है, किसी भी फ़ोन में जो है अच्छे तरह से काम करेगा। तो अगर आप जो है यूट्यूब पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, अभी नए यूट्यूबर हैं, तो अभी आपको जो है अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप सस्ते में ही जो है काम चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, सस्ता है, अच्छा है, तो इसे आप जो है ले सकते हैं और जो है अपना वीडियो जो है शूट कर सकते हैं। इसमें आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आवाज़ बहुत ही क्लियर आ रही है आवाज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ताकि उन्हें भी जानकारी हो।